हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट में डब्ल्यूपी एडमिन या लॉगिन करने से हम लोग वेबसाइट किसी का वेबसाइट का एडमिन पैनल में घुस जाता है। इसको सिक्योर करने के लिए छोटा सा एक प्लगइन एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये छोटा सा वीडियो है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो सिक्योर करने जिसको पता है तो उसको तो ठीक है, जिसको नहीं पता है उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप इसको सिक्योर कर सकते हो, पूरा 100% नहीं, लेकिन लगभग आप उसको एडमिन पैनल में जाने से अब रोक सकते हो। उसके लिए एक प्लगइन एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon for more video. तो फ्रेंड, मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गया। तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो यह जो देख रहे हो एक्स वाई जेड एडमिन है। इसमें आपको सिर्फ ये जो डब्ल्यू पी एडमिन देने से लॉगिन पैनल नहीं खुलेगा, आपको सिर्फ आपके हिसाब से आप सिक्योरिटी डाल सकते हो। मैं इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, फिर भी बता देता हूँ किसी का ज़रूरत पड़े तो। और किसी बाइक को अगर 100 रुपये में डोमेन खरीदना है तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। 100 रुपीज़ में आप कोई भी डोमेन ले सकते हो, बहुत सस्ता है। .com भी ले सकते हो, .com थोड़ा महंगा पड़ेगा, 100-150 के आसपास पड़ेगा, उसमें से आप ले सकते हो। अगर वीडियो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसमें आपको करना है रीनेम डब्ल्यू पी एडमिन। इसमें रीनेम डब्ल्यू पी एडमिन टाइप करोगे, आपको प्लगइन दिख जाएगा। इसमें रीनेम डब्ल्यू पी एडमिन चेंज लॉगिन, ये नहीं है, रीनेम में ये आएगा रीनेम करके। तो डब्ल्यू पी एस हाइड लॉगिन, इसको ये वेबसाइट भी बहुत अच्छा है, ये एक्टिव इंस्ट्रक्शन इतना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये भी ठीक है। तो ये वाला प्लगइन से चेंज डब्ल्यू पी लॉगिन आईपी एड्रेस जो भी है इसको चेंज कर सकते हो, ठीक। तो इसको, इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, देख लेना डब्ल्यू पी एस हाइड लॉगिन करके इसको एक्टिवेट करना है। बहुत ही सिंपल है, आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इसमें जैसे लॉगिन हो जाता है ना, जैसे एक्टिवेट हो जाता है, तो इसमें सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद ये जो लॉगिन देख रहे हो ना, इसको आपको चेंज करना है, लॉगिन यूआरएल इसमें चेंज करना है। कोई भी बंदा इसमें लॉगिन करेगा, डब्ल्यू पी एडमिन खोलेगा, तो ये है आपका वो 404 में रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस लॉगिन को चेंज करना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे पल 85 डाल देता हूँ और इसको सेव चेंज कर देता हूँ। तो सेव चेंज करने में ये दोबारा क्या हो जाएगा, सेटिंग हो गया। अभी जैसे मैं इसको लॉगआउट करूँगा, इसको जैसे लॉगआउट करूँगा, लॉगआउट करने के बाद ये कहोगे एडमिन पैनल में दोबारा नहीं दिखाएगा, वेबसाइट दिखा दिया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँ, डब्ल्यू बी एडमिन अगर डालूंगा लॉगिन, या डब्ल्यू बी लॉगिन जो भी PHP, इसको हटा के मैंने लॉगिन किया तो ये 40 पेज नथिंग हेयर। इसमें मेरे को करना क्या पड़ेगा, फिर दोबारा मैंने इसको क्या करूँगा, मैंने क्या डाला था 85, इसको मैं करूँगा तो ये दोबारा लॉगिन डैशबोर्ड में सीधा घुसेगा। तो पैनल में नहीं आया, तो मैं पैनल में डैशबोर्ड में आया, फर्स्ट टाइम है इसीलिए। तो आपको ऐसे करके हाइड कर सकते हो आपको वर्डप्रेस साइट। मैं इसको लॉग आउट करके, मैंने लॉग आउट नहीं किया था, लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल क्या दिखा रहे, पल 85। तो ये करके आप आपका लॉगिन पैनल जो डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ डाला, इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने डाला लॉगिन, लॉगिन डालूंगा तो ये 404 पेज आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ डालूंगा, क्या डालूंगा, मैं पल 85 डालूंगा तो ये लॉगिन पैनल में मेरा आ जाएगा, ठीक, ये पैनल में आ गया। तो ऐसे करके आप डब्ल्यू पी एडमिन पैनल को चेंज कर सकते हो। सिक्योरिटी है एक तरह का छोटा सा, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये नहीं रखूंगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।